है। आप सिर्फ 20% अपनी जिंदगी के बारे में फैसला कर सकते हैं, 80% आपके इख्तियार में नहीं है। अगर 80% आपके इख्तियार में नहीं है तो आप 80% स्ट्रेसफुल कंडीशन में क्यों चले जाते हैं? अगर आपने स्ट्रेस में आना ही है तो जो आपके इख्तियार में है उतना ही स्ट्रेसफुल कंडीशन में जाएं, यानी कि 20% जाएं, 80% आपके इख्तियार में नहीं है। आप इसको मानते नहीं हैं तो आप एक तजर्बा करें। ये जो ऑटोमेटिकली सांस आ रहा है जो आपको ज़िंदगी देता है, आप नाक पकड़ के इसको सांस को रोकने की कोशिश करें, 3 मिनट के लिए रोकने की कोशिश करें। मैं इंतज़ार करता हूँ, मुझे यकीन है कि आप इसको नहीं रोक सकेंगे। 1 मिनट के बाद ही आपकी पूरे जिस्म की तवानाइयाँ आपको मजबूर कर देंगी कि आपने सांस लेना है। इसका मतलब है कि ये सांस आना जाना ये सारा आपके इख्तियार में नहीं है, आपको ये सांस लेना है क्योंकि ये ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। आप क्यों स्ट्रेसफुल कंडीशन में आते हैं जबकि बहुत सारी ज़िंदगी के फंक्शन ऑटोमेटिकली हो रहे हैं, आप उनको नहीं कर रहे? आप अपने जिस्म को ही सिर्फ देख लें, आपका दिमाग जो है वो 400 बिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एक सेकंड में प्रोसेस करता है। इतनी स्ट्रॉन्ग पावर है, क्या आपने उसको बनाया या आप उसको चला रहे हैं? आपको तो सिर्फ और सिर्फ 2000 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन की अवेयरनेस है या उसका पता है, इससे ज़्यादा आपको पता नहीं। आप अपने दिल पे गौर किया है कभी आपने कि 2 गैलन ब्लड जो है वो आपके शरीरों में पंप करता है एक सेकंड में। 1 मिनट में आपका दिल जो है वो 100 गैलन खून आपके शरीरों में पंप करता है। 3 बिलियन टाइम ये आपकी ज़िंदगी में एवरेज पंप करता है, ये धड़कता है। आप मुझे ये बताएं कि कौन सी इलेक्ट्रिसिटी इस वक्त आपके पास मौजूद है जो आपने पीछे से लगाई हुई है और ये चल रहा है? विदाउट एनी इलेक्ट्रिसिटी, खुदकार निज़ाम के तहत, कुदरत के निज़ाम के तहत, खुदकार निज़ाम के तहत ये 3 बिलियन टाइम आपके खून को आपके शरीरों में पंप कर रहा है। और आपको पता है कि आपकी शरीरों की लंबाई कितनी है? 60,000 miles, 60,000 मील लंबी शरियाने हैं जिनके अंदर ये खून जो है वो पंप होता है। आपको पता है कि आपकी बॉडी जो है उसमें 100 ट्रिलियन सेल्स हैं और 100 ट्रिलियन सेल्स में 10 मिलियन सेल्स फौरी तौर पे 1 सेकंड के अंदर डेड हो जाते हैं और 1 सेकंड के अंदर 10 मिलियन सेल्स नए बनते हैं। कुछ अरसे के बाद आपकी पूरी बॉडी बिल्कुल नई शक्ल लगती है। क्या ये सारा कुछ आप कर रहे हैं? आपको पता है कि आपके सेल के अंदर 1 सेकंड के अंदर 10,000 केमिकल तब्दीलियां आ रही हैं, क्या ये आप कर रहे हैं? अगर ये सब कुछ आप नहीं कर रहे और आपके ये इख्तियार में नहीं है कि इसको रोकें या इसको आगे लेके जाए, तो फिर आप परेशान क्यों होते हैं? आपकी ज़िंदगी 80% आपकी कुदरत या आपके रब के इख्तियार में है, तो आप अपनी परेशानियों से दूर चले जाएं, आप भूल जाएं अपनी परेशानियों को। जो कुछ भी हो रहा है ये अच्छे तरीके से हो रहा है। अपनी स्ट्रेसफुल कंडीशन को आज ख़त्म कर दें, क्योंकि जब आप स्ट्रेस ख़त्म कर देंगे तो आपकी 95% बीमारियां भी ख़त्म हो जाएंगी और आप सेहतमंद इंसान की तरह एक ज़िंदगी गुजार सकेंगे। ये देखें कि इस पानी में और इस ग्रीनरी में और ये पहाड़ों में इस मुझे मेरी कोई कॉस्ट नहीं आ रही, कोई पैसा नहीं लग रहा, लेकिन अगर हम इसमें 15 मिनट सुकून के साथ वक्त गुजारें तो इंतहाई ज़्यादा आप स्ट्रेस से निजात हासिल कर सकेंगे। मैं विश करता हूँ कि आप बेहतरीन ज़िंदगी गुजारें, मेरी तरह बेहतरीन ज़िंदगी गुजारें, स्ट्रेस से फ्री ज़िंदगी गुजारें और आप गुजार सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।